नमस्कार दोस्तों, हिंदी बर्ड चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको UIDAI के नए आधार ऐप के बारे में बताने वाले हैं, जिसपे आप सभी करेक्शन कर सकते हैं, चाहे आपको मोबाइल नंबर चेंज करना हो या आपको यहाँ से आधार कार्ड डाउनलोड करना हो या फिर एड्रेस करेक्शन करना हो, वो सारे सब कुछ काम जो है आप इस एप्लीकेशन की मदद से घर बैठे जो है कर पाएंगे। तो फ्रेंड, अगर आप जानना चाहते हैं इस एप्लीकेशन के बारे में कि ये कैसे काम करता है, कैसे इंस्टॉल करेंगे, कैसे लॉगिन करेंगे और कैसे सारे करेक्शन संबंधी काम होते हैं, तो इस जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक का जरूर देखते रहिए। चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे हिंदी बर्ड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यहां सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे हिंदी बर्ड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे आपको आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सो फ्रेंड्स, अब आपको इसके लिए सबसे पहले आ जाना है अपने मोबाइल में, और फ्रेंड्स मोबाइल में आने के बाद आपको चलना है प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको एम आधार ऐप को सर्च करना है। फ्रेंड, जैसे आप उसे सर्च करते हैं तो आपको अपने मोबाइल में उसे इंस्टॉल कर लेना है, जो कि मैंने यहाँ पे इंस्टॉल करके रखा है। फ्रेंड्स, ये नया एप्लीकेशन है, अभी ही जो है ये अपडेट हुआ है और इसमें बहुत सारे जो है फीचर्स को ऐड कर दिया गया है। फ्रेंड, जैसे आप इसे यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं, अब आपको इसे ओपन करना है। चलिए तो हम इसे ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं। फ्रेंड, जब आप इसे फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो ये लोडिंग होगी, उसके बाद ये आपको आपके नंबर से जो है लॉगिन करने को बोलेगा। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे एक अपना मोबाइल नंबर देना है और मोबाइल नंबर डाल के आपको इसे जो है लॉगिन कर लेना है। फ्रेंड्स, मैंने इसे मोबाइल नंबर डाला है और OTP से वेरीफाई करा के इस एप्लीकेशन को लॉगिन कर लिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे आप लॉगिन करेंगे तो इसका इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। फ्रेंड्स, ये एप्लीकेशन थोड़ा सा टाइम लेता है लोडिंग जो है होने में, तो चलिए ये लोडिंग हो जाती है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, आप देख पाएंगे यह एप्लीकेशन इस प्रकार से आपके सामने खुल जाएगा और यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पे जो फीचर्स मिलता है वो है यहाँ पे डाउनलोड आधार का। आप देख पाएंगे यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड आधार, यहाँ पे उधर ऑर्डर आधार रीप्रिंट, पेपरलेस ऑफलाइन EKYC, ठीक है। यहाँ पे देखिए वर्चुअल ID जनरेटर, QR कोड स्कैनर, और भी आपको यहाँ पे ढेर सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप अपने आधार कार्ड में कोई भी करेक्शन कराना चाहते हैं तो उसकी भी सर्विस आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो फ्रेंड, उसके लिए देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, बुक एन अपॉइंटमेंट के ऊपर क्लिक करना है। फ्रेंड्स, ये मोबाइल में आपका बड़ी ही आसानी से हो जाता है। आप किसी भी जो है करेक्शन कराना चाहते हैं, चाहे आपको वो अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कुछ भी करेक्शन कराना हो, तो उसके लिए आप बड़े ही आसानी से करेक्शन करा सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी मैं आपको करेक्शन करना नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं केवल बता रहा हूँ कि आपको इस एप्लीकेशन में क्या क्या सर्विसें दी जाती हैं। फ्रेंड्स, अगर आप जानना चाहते हैं कि इसमें करेक्शन कैसे करते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, मैं आपको जस्ट आने वाली वीडियो में करेक्शन करके भी दिखा दूंगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो है आप अपने जो है आधार कार्ड को डाउनलोड कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए सिंपल सा डाउनलोड आधार पे क्लिक करना है और यहाँ पे आधार नंबर को चुनना है। यहाँ फ्रेंड्स अपना आधार नंबर डालिए, कैप्चा कोड भरिए, रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करिए और यहाँ पे आपका आधार कार्ड जो है डाउनलोड हो जाएगा। उसके अलावा फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे और भी सर्विसें मिलती हैं, जैसे कि फ्रेंड्स आप यहाँ पे अपने नज़दीकी आधार सेंटर देख सकते हैं कि आपके नज़दीकी में आधार सेंटर कहाँ है। जस्ट आपको अपनी मोबाइल की लोकेशन को ऑन करना है और ये आपके एरिया के जो है यहाँ पे आधार सेंटर दिखा देगा। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर आप इस एप्लीकेशन में अपना जो है वर्चुअल आधार रखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड माई आधार के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको 4 डिजिट का एक पिन देना है और यहाँ पे आप अपना वर्चुअल आधार इसमें रख सकते हैं। जब भी आपको कहीं यूज होगा आधार का तो वहाँ पे आप इस वर्चुअल आधार का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपके आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है और आप उस आधार कार्ड को मंगवाना चाहते हैं, सो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको वो भी सर्विस मिल जाती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्डर आधार रीप्रिंट, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए आपका इससे 50 रुपये चार्ज लिया जाता है और यहाँ पे आपको एक जो है फिजिकल आधार कार्ड भेज दिया जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपको आधार मिलता है वो यहाँ पे प्लास्टिक टाइप में आता है, जो कि काफ़ी अच्छा देखने में होता है और हर जगह आप उसे यूज़ भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे देखिए चकमक लगाना है
ओके पे क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे उसके साथ आपका कोई मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है या फिर आपका कोई मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है। फ्रेंड्स उसके साथ अगर कोई भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको दूसरे ऑप्शन को चुनना है। यहाँ पे अपना देखिए, यहाँ पे आधार नंबर डालना है, यहाँ पे जो है आपको अपना एक सिक्योरिटी कैप्चा डालना है, यहाँ पे नॉन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है, रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करना है और यहाँ से आप जो है अपने आधार कार्ड का ऑर्डर लगा सकते हैं। 4 से 5 दिन के अंदर यह आधार कार्ड आपके एड्रेस पर डिलीवर्ड कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स इस एप्लीकेशन के ढेर सारे फायदे हैं, यहाँ पे इस एप्लीकेशन की मदद से आप बहुत सारे जो है फायदे उठा सकते हैं। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। फ्रेंड जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को शेयर कर दें, लाइक करें और साथ ही साथ हमारे सिंधी बर्ड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फ्रेंड्स मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।